met again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby, why do I हेलो फ्रेंड्स, आज हम विजिट करेंगे आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली का। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली का एक अपना ही अंदाज है। ये यूनिवर्सिटी पहाड़ों के दरमियान मौजूद एक खूबसूरत मंजर पेश करती है। तो चलते हैं और यहाँ के स्टूडेंट से पूछते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के बारे में क्या राय रखते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का जहाँ तक मतलब मैंने जो जज किया है कि सारी यूनिवर्सिटीज अगर देखी जाए एजुके में जितनी भी हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है। कोटली का एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट नॉट सो गुड। ये है कि बच्चे नोट्स लेके बस भागते रहते हैं आगे पीछे, और बस ऐसे तो स्कूल कॉलेज में भी नहीं होता जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी में इतना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ भी जो है ना वो मस्ट है। स्टूडेंट्स एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और जहाँ तक बात है कि हम सुनी सुनाई की बातें भी बोल करते हैं हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर देखने को ये मिलता है। तो इस वाले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मतलब इंसान जब मरता है तो उसके बाद उसको पता चलता है जन्नत क्या है जहन्नम। सही है। तो एनवायरनमेंट आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के। अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन है तो आपको एनवायरनमेंट पॉजिटिव ही नज़र आएगा, और अगर आप एक नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव ही नहीं मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली ने आपको सिखाया क्या? इन्होंने हमें खुदाई करना सिखाई है। जितनी आप गहरी खुदाई करोगे उतना हो सकता है आपको मिनरल्स मिल जाए या पानी निकल आए तो फ़ायदा हो जाता है। लेकिन UOK ने सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप किया इन्होंने। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कमी पेशी थी, इन्होंने पर्सनैलिटी डेवलप करना सिखाई है। खासकर हमारे कुछ टीचर हैं बिजनेस डिपार्टमेंट के जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर भी काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली ने आपको सिखाया क्या? यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली ने सबसे पहले स्ट्राइक्स करना सिखा दिया है। और स्ट्राइक्स क्यों होती हैं? कुछ स्टूडेंट होते हैं जो खुद पढ़ते नहीं है लेकिन ऐसा दिखा रहे होते हैं कि टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे नहीं है, और वो क्लासेस खुद नहीं ले रहे होते और बताते नहीं, टीचर्स क्लासेस में आते नहीं है, और जब बाद में फेल हो जाते हैं तो स्ट्राइक्स करने के लिए निकल जाते हैं, और फिर बाकी स्टूडेंट को गलत बताते हैं कि हमारे पेपर सही चेक नहीं हुए, ये हुआ है, वो हुआ है, तो एंड पर यही होता है स्ट्राइक्स। और जब बाद में मैन रीज़न पता चलता है कि स्ट्राइक्स का क्या रीज़न था तो कोई रीज़न ही नहीं निकलता। हमें ये सिखाया है कि बस इधर से उधर थोड़े घूमे फिर कर जाए, मारना सिखाया है बस। हाँ जी, बस ठीक है। नहीं, और भी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे अगर हम कुछ सीखे तो। क्या रिकमेंड करेंगे कि फ्यूचर में यूनिवर्सिटी की इम्प्रूवमेंट कैसे होनी चाहिए, क्या व्यू आना चाहिए? इम्प्रूवमेंट सबसे पहली प्रायोरिटी है। हम लोग देखते हैं, ज़रूरी तो ये कंक्रीट देखते हैं कि यहाँ पे डेवलप कितनी, बिल्डिंग्स कितनी बनी हुई हैं, ग्राउंड बना हुआ है, स्पोर्ट्स का सिस्टम है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ होती है जो प्रायोरिटी होती है यूनिवर्सिटी की, वो है आपको एजुकेशन डिलीवर करना। उसके लिए आपको हाईली क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए होता है, वो होगा तो बेशक आप खुले आसमान के नीचे बैठ के भी तालीम हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आप हम लोग फोकस में बलवा दूँ पाए। हाँ ठीक है, मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर है आप सफ़र कर रहे हैं तो फिर करें। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहूँगी कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना स्ट्रिक्टली ये कहा है, उन्हें कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन उनके बारे में जारी किया जाए या उन्हें सही तरीके से गाइड किया जाए कि ये गलत कह रहे हैं, पहले उनके लिहाज से मैं कहूँगी। यूनिवर्सिटी की इम्प्रूवमेंट, पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ पे पौधे लगे हुए थे, दरख्त थे, उनको काटा गया। मुझे तो बहुत पसंद थे ऐसा। नहीं यार, ये तो न्यू भी कोई लग रहा। हमारे पहाड़ी में कहते हैं बोड़ी ना बूटा थे उसकी, तुम्हारे ख्याल इतनी सा कटना चाहिए ना उसकी छाऊँ पूरी यूनिवर्सिटी छाँव बहुत जरूरी है यार। तो बाकी ऐसा अच्छा काम हो रहा है, कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहाँ तक होते हैं तो कर रहे हैं। I love you. UOK.